दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताऊंगी ब्लाउज की बैक नेक डिजाइन बनाएं इस आसान तरीके से। सब्सक्राइब कीजिए स्टिचिंग क्लास चैनल, बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो ये ब्लाउज मैंने कट कर लिया है, ये लाइनिंग है और ये ब्लाउज पीस है और ये 34 साइज का ब्लाउज है और ये हाई नेक में डिजाइन रहेगी। तो मैं जो डिजाइन कट करूंगी पहले लाइनिंग पर कट करूंगी और सेम ड्राफ्टर के फ्रेस पे स्टिच करके जो एक्स्ट्रा पीस है उसको कट कर देंगे नेक का। और डिजाइन डालने के लिए मैंने ये गोल्ड कलर क्लॉथ लिया है, एक लेस ये लिए और एक दूसरा लेस मैंने इस तरह का लिया है। तो अभी आपको बताती हूँ नेक की कटिंग। तो देखिए मैंने इसका 15 इंच मैंने शोल्डर लिया है, ये डबल फोल्ड है तो 7.5 इंच है और इसकी जो लंबाई ली है मैंने 15.5 इंच ली है, लेकिन 14.5 इंच ही तैयार में रहेगा ये ब्लाउज। तो सबसे पहले हम बोट नेक बनाएंगे और उसके बाद दूसरा नेक। तो शोल्डर से 4 इंच ले ले और जो ये नेक रहेगा ये डबल नेक है तो इसीलिए हम ऊपर ज़्यादा नेक नहीं रखेंगे। तो ऊपर मैं 2.5 इंच ले रही हूँ, तैयार में 2 इंच ही रहेगा ऊपर। और यहाँ पर हम नेक का शेप दे देते हैं 1.5 इंच का अप्लाई करके। तो जो ऊपर का नेक है उसका मैंने गुलाई दे दिया है, अभी इसके बाद हम 1.5 इंच और प्लेन छोड़ देंगे, ये इसमें हम डिजाइन नहीं देंगे 1.5 इंच में। और जो यहाँ पर ये डिजाइन डालने वाली हूँ वो मैं ऐसा ब्रॉड में ले रही हूँ 4.5 इंच, सेम नीचे तक इसको ड्रॉ कर ले। और उसके बाद अब अपना शोल्डर से हाइट ले लें, आपको कितना डीप नेक चाहिए, जो पैच अटैच करेंगे आपको कितना चाहिए। तो मैं इसमें 13.5 इंच ले रही हूँ शोल्डर से, क्योंकि ये पूरा क्लोज ही रहेगा। और यहाँ से भी हम इसको ड्रॉ कर देते हैं। तो जो नेक का शेप रहेगा, जो पैच अटैच होगा वो हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में पैच अटैच होगा, ये बोट नेक रहेगा, नीचे हमारी ये पट्टी रहेगी। तो अभी इसमें हम शेप दे देते हैं। तो शेप में इसमें यहाँ से इस तरह से देना है। अगर इसको थोड़ा सा और ब्रॉड करना चाहते हैं तो अभी ब्रॉड भी कर सकते हैं। ये इस तरह से ड्रॉप के जैसा शेप आएगा इसका। तो जो नेक कट करना है ये शेप कट करनी है और ये बोट नेक कट करना है। इसके बाद ये दूसरा नेक। अभी आपको इसका लुक दिखाते हैं किस तरह से आएगा। तो देखिए इस तरह से ये रहेगा। अब इस ड्राफ्ट को मैं इस ब्लाउज के ऊपर रख लूँगी और उसके बाद जो मैंने ये क्लॉथ लिया है इसका मैं पैच अटैच करूँगी, तो पैच हमारा इस शेप में आएगा। तो जो ये ड्राफ्ट है इस ड्राफ्ट को रख के मैं कैनवास कट करूँगी, इसकी नेक पट्टी कट नहीं करूँगी क्योंकि मैं डायरेक्ट ब्लाउज में रख के इसको स्टिच करूँगी। जो ये हमारा ऊपर वाला नेक है इसके लिए मैं कैनवास भी यूज करूँगी और इसके लिए मैंने पाइपिंग के लिए ये गोल्ड कलर क्लॉथ लूँगी क्योंकि मैं इसमें पाइपिंग डाल दूँगी। तो सेम ड्राफ्ट रख के मैं इस पीस को आपको बताते हैं किस तरह से कट करना है। इस पीस को इस तरह से रख लें ड्राफ्ट को और ये 1 इंच चौड़ी पट्टी कट करेंगे और जो कैनवास करेंगे वो 1/2 इंच चौड़ी पट्टी कट करेंगे। सेम ड्राफ्ट को कैनवास कट कर लूंगा। अब इसका ड्राफ्ट आपको बताते हैं इसको ओनली कैनवास ही कट करना है। मेथड सेम है, जैसे मैंने ये पट्टी कट करी उसी तरह ये मैंने 1 इंच चौड़ा ले लिया। आपको इसका सिलने का मेथड बता दूं तो देखिए सीधा मैंने ये ब्लाउज पीस रख लिया है, उसके बाद लाइनिंग को आप सीधा उल्टा कैसे भी रख सकते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और लाइनिंग को मैंने इस तरह से इसके ऊपर रख लिया है, ठीक है। अभी जो हमारा ये कैनवास है सेम कैनवास को भी हम सेम शेप में रख लेंगे यहाँ पे, लेकिन ये जो पॉइंट है ये आप थोड़ा सेट कर दो, या आप चाहे तो कच्चा टाका डाल दें डायरेक्ट नहीं करना है या फिर पिन से सेट कर लें और सेम नेक की शेप में इसको स्टिच कर लें। स्टिच करने के बाद इसमें 1/2 इंच ये पीस छोड़ने के बाद ब्लाउज पीस पूरा नेक को कट कर लेंगे। कट करने के बाद पलटेंगे, वो आपको बताऊंगा किस तरह पलटना है।
जब हम इसको पलट लेंगे पूरा पीस सीधा हो जाएगा, पूरा इसके लाइन के साथ स्टिच कर लेंगे, उसके बाद हम नेक को तैयार करेंगे। तो नेक को पहले सबसे पहले पट्टी को तैयार करना है। तो पट्टी को आपको इस तरह से करना है, जो हमने ये हाफ इंच ज्यादा लिया उसको इस तरह से करके पूरा राउंड में स्टिच करना है, उसके बाद नेक। ये मैंने सिल दिया ऊपर का नेक जो था, पाइपिंग डालेंगे रिबो ट्रेस में। अब ये जो हमारा ये ब्लाउज का नेक है, इसको हम ब्लाउज को पहले सेट कर लेते हैं बराबर से, और इस पीस को भी यहाँ पे इस तरह से रख ले कैनवास को, और सेम शेप में अभी स्टिचिंग डाल देते हैं। अभी इसको कट कर देते हैं। बीच बीच में भी कट दे देते हैं, जैसे पलटने में हमको इजी रहेगा। अभी इसको देखिए पूरा मैंने कट भी दे दिया। अब इसको अंदर से हम इसको लाइनिंग को निकाल देंगे। देखिए अभी हमने निकाल दिया है, तो अभी इसको सीधा करते हैं, तो इस तरह से आ रहा है, और इसके किनारे पे हम अभी स्टिचिंग डालते हैं जिससे ये सेट हो जाए। देखिए मैंने इसको स्टिच कर दिया तो अच्छे से फिनिशिंग आ गई है, और देखिए उल्टा देखेंगे तो इस तरह से आ रहा है। अभी हम यहाँ पे पूरे में इसको स्टिच कर देते हैं, पूरा स्टिच होने के बाद इस पीस को हम कट कर देंगे। चारों तरफ से सिल दिया है, अभी नेक कट कर लेते हैं। जो नेक कट किया था हमने, अभी इसको हम स्टिच कर देते हैं इसके ऊपर। पलट देते हैं। मैंने गोल्ड कलर लिया है क्योंकि इसमें मैं पाइपिंग दे रही हूँ, गोल्ड कलर लेस यूज कर रही हूँ। आप इसमें कोई भी कलर ले सकते हैं जिस कलर का आप लेस यूज कर रहे हो, और पाइपिंग में इस तरह से देंगे छोटी सी। मैं यहाँ पर प्लेट डाल दूंगी, प्लेट डालने के बाद नीचे फिनिशिंग दे दूंगी। उस फिनिशिंग के लिए मैंने ये 1.5 इंच चौड़ी पट्टी कट कर ली है। तो सबसे पहले प्लेट डाल देते हैं, जैसे नॉर्मल बर्तन डालते हैं वैसे साइड में प्लेट डालती हूँ, और अभी मैं नीचे फिनिशिंग देती हूँ। उसके लिए पट्टी कट कर लेंगे, तो पहले यहाँ पे मैं पूरा स्ट्रेट स्टिचिंग डाल दूंगी, और इसके बाद फिर यहाँ पे इसको फोल्ड करके यहाँ पे स्टिचिंग, और उसके बाद हम अंदर फोल्ड कर देंगे, बाद में तुरपाई कर देंगे। देखिए अभी हमने नीचे फिनिशिंग दे दी, प्लेट डाल दी, पूरा कंप्लीट हो गया है। अभी जो हमने ये गोल्ड कलर कपड़ा लिया है, अभी इसका हम पैच अटैच करते हैं। तो ये कपड़े को आप इसके साइज के अनुसार, इससे देखिए मैंने थोड़ा ज़्यादा ले लिया है, लंबाई भी ज़्यादा है, बाद में इसको कट कर देंगे, पहले अटैच कर देते हैं। तो इसको आप नीचे रखें, इसको सीधा रखें, और अभी इसके ऊपर हम ये ब्लाउज रख देंगे। ब्लाउज रखने के बाद अभी सेम शेप में इसको स्टिच डाल देंगे जिससे कि ये पैच सेट हो जाए। या तो आप इसको पहले पिन से सेट कर लें, या कच्चा टांका, जिससे कि आपकी नेट आगे पीछे ना हो। मैं इसको पिन से सेट कर रही हूँ, और उसके बाद सेम शेप में स्टिच डाल दूंगी। ये मैंने स्टिच कर दिया है, अभी आपको उल्टा दिखाती हूँ। अभी जो है ये एक्स्ट्रा पीसेस कट करते हैं, 1 इंच के आसपास छोड़ दें, जिससे कि हम जो लेस लगाएंगे उससे कवर हो जाएगा, और निकलने का भी टेंशन नहीं है। 1 इंच या 1/2 इंच इतना आप छोड़ना चाहें। अभी हम इसमें लेस लगाना शुरू करते हैं, तो उससे पहले जो ये कॉर्नर डिजाइन है हमारा पॉइंट, यहाँ पर इस तरह से लाइन खींचते हैं, जैसे कि जो लेस लगाएंगे हम यहाँ से हमारा टर्न होगा सेंटर से।
तो इस लेस को मैं यहाँ पे हम ग्रीन भी छोड़ेंगे, ये पाइपिंग भी रहेगी और यहाँ पे हमारा ग्रीन बॉर्डर भी रहेगा। तो ज़्यादा नहीं छोड़ना है, हाफ इंच के आसपास छोड़ देना है प्लेन। ये पॉइंट आ गया, यहाँ से हम टन लेंगे। तो आपको यहाँ पे प्लेट वगैरह कुछ भी नहीं डालना है और इसको यहाँ पे किनारे से हम स्टिच करेंगे। तो इसको जो लगाएंगे हम सेम शेप में पूरा नेक को अटैच कर दूंगी, जैसे मैंने इस साइड में लिया सेम इसी तरह से। तो ये मैंने पूरा स्टिच कर दिया, ये वन स्टिच डाली है। अभी सेकंड स्टिचिंग और डाल देती हूँ और उसके बाद जो कमर है यहाँ पर भी ये पतली वाली लेस लगा देती हूँ। कि ये लेस मैंने पूरी लगा दी, नीचे भी लगाई है, मैंने यहाँ पर ग्रीन पाइपिंग दे दी है तो डबल लुक आ रहा है। अब ये दूसरी वाली लेस है, इसको भी हम लगाएंगे। उसके लिए आपको प्रेशर फुटर चेंज करना है, क्योंकि ये स्टोन वाली चेन है। तो यहाँ पर मैंने प्रेशर फुटर चेंज कर लिया है। तो अभी मैं यहाँ पर इधर लेफ्ट साइड से नहीं लगा सकती, क्योंकि मेरा लेफ्ट साइड वाला प्रेशर फुटर है, इसलिए तो राइट साइड की तरफ से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो सेम इसी तरह से हमको इसको स्टार्ट करना है, क्योंकि ये स्टोन है। तो आप मार्जिन थोड़ा छोड़ दें शोल्डर का, मार्जिन छोड़ने के बाद स्टार्ट करें। यहाँ पे जब हम टर्न लेंगे तो यहाँ पे हमको इस तरह से इसको फोल्ड करना पड़ेगा। तो हमारी जो पहले आप इसको स्ट्रेट ही स्टिच डाल लें, क्योंकि ये फिर स्टोन आ जाएंगे तो हमारी सुई टूटेंगी। तो स्ट्रेट डाल लेते हैं पहले, उसके बाद फिर थोड़ा सा काम हाथ से करेंगे। यहाँ पे फिर से इसको इस तरह से फोल्ड कर दें, जो कि इस तरह से आएगा। तो ये चीज़ हमको हाथ से स्टिच करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारी मशीन नहीं चलेगी। और जो ये डिजाइन है ये भी कुछ इस तरह से आएगी, या फिर आप इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे तो ज़्यादा हैवी हो जाएगा। तो इसको इस तरह से आने दें। बस पूरे नेक की शेप में स्टिच कर देती हूँ दूसरी साइड शोल्डर तक। देखिए मैंने पूरा ऊपर तक लगा दिया है। अभी जैसे ये उठी हुई है तो यहाँ पे भी हम सेकंड स्टिच डाल देते हैं किनारे पर, जिससे कि ये पूरी तरह से सेट हो सके। देखिए हमने लेस लगा दी है, हमारा ब्लाउज कितना सुंदर डिजाइन बनी है। और ये लेस की सहायता से और नेट की सहायता से हमने इतना सुंदर नेक डिजाइन बना दिया है। तो आप इस आसान तरीके से ये नेक डिजाइन बना सकते हैं ब्लाउज के लिए। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।